हेलो एवरीवन वेलकम टू फॉर नर्सिस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल आई एम नीरज कुमार क्या टुडे इज 16 मई 2022 एंड टुडे इज़ एंड इम्पोर्टेंट एम फॉर अपकमिंग नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स आर फर्स्ट क्वेश्चन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ बॉडी इज हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस नाम से जाना जाता है Endocrine system, integumentary system, cardiovascular system, urinary system. The correct answer is option C cardiovascular system. Cardio means heart, or vascular means blood vessels. इन दोनों से मिल जो सिस्टम बनता है उसे हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ बॉडी के नाम से जानते हैं इंटेग्यूमेट्री सिस्टम हमारे स्किन से रिलेटेड सिस्टम को कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन द एपैक्स बीट इज फेल्ट एट विच इंटरकोस्टल स्पेस हमारे हार्ट की एपेक्स एरिया में जो बीट होती है उसे सुनने के लिए आप स्टेथोस्कोप को किस जगह पर रखना प्रेफर करेंगे थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर फिफ्थ पर या सिक्स पर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर हमारा जो हार्ट होता है वो इस प्रकार से पाए जाने वाली स्ट्रक्चर है ये इसका बेस पार्ट है और ये एपेक्स पार्ट है हर्ट का तीखा नुकीला जो हिस्सा होता है नीचे वाला उसे हम एपेक्स पार्ट कहते हैं और जब भी हमें एपिकल पल्स लेनी होती है या हर्ट की एक्चुअल बीटिंग को रिकॉर्ड करना है पल्स को रिकॉर्ड करना है तो इसी एरिया से हमें पल्स का असेसमेंट करना होता है इस एरिया से पल्स को असेस करने के लिए हम स्टेथोस्कोप की मदद लेते हैं स्टेथोस्कोप इस को फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी रख कर हम अस्कल्टेट करते हैं और जो हर्ट रेट आती है वो एक्चुअल हर्ट रेट मानी जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज़ प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा होता है एनोरेक्सिया क्विकनिंग एमेनोरिया या वॉमिटिंग द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इट इज क्विकनिंग परसेप्शन ऑफ एक्टिव fetal मूवमेंट बाय द प्रेग्नेंट मदर इज कॉल्ड क्विकनिंग Pregnancy के दौरान गर्भ में बच्चे की मूवमेंट को मदर द्वारा फील करना क्विकनिंग कहलाता है और ये सेकेंड ट्राइमेस्टर का इम्पॉर्टेंट फीचर देख के रूप में माना जाता है जो कि अराउंड एटीन वीक ऑफ गेस्टेशन के आसपास देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के प्रेगनेंसी पीरियड को हम तीन ट्राइमेस्टर में क्लासिफाई कर सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर जीरो टू ट्वेल्व वीक्स सेकेंड ट्राइमेस्टर थर्टीन टू ट्वेंटी एट वीक्स थर्ड ट्राइमेस्टर ट्वेंटी नाइन टू टिल द डिलीवरी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ डिजीज दैट कैन बी कॉज ड्यू टू इन्फेक्टेड मिल्क इन्फेक्टेड मिल्क के थ्रू कौन सा डिजीज ट्रांसमिट हो सकता है एंथ्रैक्स गैस्ट्राइटिस, टॉन्सलाइटिस या फिर रूमैटिक फीवर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एंथ्रैक्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज मॉडिफाइड एमिनो एसिड, इन चारों ऑप्शंस में से उस हॉर्मोन का नाम आपको सेलेक्ट करना है जो कि मॉडिफाइड एमिनो एसिड के रूप में जाना जाता है एपिनेफ्रीन प्रोजेस्ट्रॉन प्रोस्टाग्लैंडिन या एस्ट्रोजन the right answer is option a epinephrine biologically active amines like dopamine epinephrine and nor called catecholamines it is derived from amino acid tyrosine only dopamine epinephrine or nor epinephrine yetinohe tyrosine namak एमिनो एसिड से बनी हुई स्ट्रक्चर होती हैं इन्हें आप कैटेकोलेमाइन के, के नाम से भी जानते हैं टेक स्क्रीन शॉट फॉर योर रिविजन नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट एशियन टू विन अ नोबल प्राइज नेम्ड वॉज पहले एशियन पर्सन का आपको नाम बताना है जिसने नोबल प्राइज जीता था रविंद्रनाथ टैगोर सी वी रमन मदर टेरेसा चंद्रशेखर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर नेक्स्ट क्वेश्चन अ ग्लैंड दैट डिसअपियर्स इन अडल्ट बट इज एक्टिव ड्यूरिंग द चाइल्डहुड इज नोन एज उस ग्लैंड का नाम आपको बताना है जो कि चाइल्ड हुड एज के अंदर तो एक्टिव होती है प्रेजेंट होती है लेकिन अडल्ट एज आते आते वो डिसअपियर हो जाती है ऑप्शन आर हाइपोथैलमस पैराथाइरोइड एड्रीनल कॉटेक्स थाइमस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी थाइमस आफ्टर प्यूबर्टी इट बिगिनस टू श्रिंक एंड द लिम्फॉइड टिशू इज रिप्लेस बाय फाइब्रॉइड टिशू थाइमस ग्लैंड जो कि चाइल्डहुड में एक्टिव रहती है लेकिन जैसे जैसे प्यूबर्टी एज आती है उस समय तक ये ग्लैंड श्रिंक होने लगती है आकार में सिकुड़ने लगती है और फाइनली जो लिम्फाइड टिश्यू से बनी ग्लैंड है वो फाइब्रोटिक टिश्यू में कन्वर्ट होकर एक अवशेष के रूप में रह जाती है ओनली अबाउट फाइव ग्राम्स ऑफ थाइमिक टिश्यू रिमेन्स इन अडल्टुड अडल्टुड के अंदर थाइमस ग्लैंड का सिर्फ पाँच ग्राम का एक अवशेष ही बच पाता है नेक्स्ट क्वेश्चन रोल टर्निंग मेथड इज़ यूज इन लॉग रॉल टर्निंग मेथड किस सिचुएशन में यूज किया जाता है लंग एब्सेस, सेब्रोवेस्क्यूलर एक्सीडेंट स्पाइनल इंजरी या फिर एपिलेप्सी द राइट आंसर इज ऑप्शन सी स्पाइनल इंजरी के केस में मान लीजिए यह कोई पेशेंट है इस पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई है अब ये, ये पेशेंट खुद से टर्न नहीं हो सकता बेड में तो इसे टर्न होने के लिए कुछ स्टाफ मिलकर इसे बेडशीट की सहायता से इसकी पोजीशन चेंज कराते हैं यही लॉग रॉल टर्निंग कहलाता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट शुड बी एडेड टू नॉर्मल सेलाइन विच इज़ कनेक्टेड टू आर्टीरियल लाइन मीजरिंग इन्वेजिव ब्लड प्रेशर किसी पेशेंट में इन्वेजिव ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के लिए आरटीरियल लाइन लगी है और इसमें नॉर्मल सलाइन कनेक्टेड है इस सिचुएशन में कौन सा सब्सटेंस इसमें ऐड किया जाना उपयुक्त रहेगा कैल्शियम पोटेशियम प्रोटामीन या हिपेरिन

पर्टिकुलर साइट्स पर विशेष डिवाइसेस कैथेटर्स लगाए जाते हैं जो कि सेंसर युक्त होते हैं और लगातार वहां पर मौजूद ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करते हैं ये सेंसर्स ब्लॉक ना हो जाएं इनमें लगातार फ्लो चलता रहे इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम हिपेरिन का इस्तेमाल करते हैं इस सेंसर डिवाइस से सेलाइन लगातार फ्लो करता रहता है और इनके टिप पर ब्लॉकेज ना हो इसके कारण हम इस सेलाइन सॉल्यूशन में हिपेरिन मिक्स कर देते हैं हम सभी जानते हैं हिपेरिन सब्सटेंस जो है क्लॉट के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है तो हम कह सकते हैं कि हेपेरनाइज सेलाइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल हम आर्टीरियल कैथेटर्स और सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइसेस में करते हैं इवन एट लो डोज ऑफ मोनिटरिंग कैथेटर्स आर्टीरियल कैथेटर हो या सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाने वाला कैथेटर हो इनसे लगातार नॉर्मल सेलाइन को फ्लू करके इनकी पेटेंसी को मैंटेन रखा जाता है और इनमें ऑब्स्ट्रक्शन या क्लॉट फॉर्मेशन ना हो इसके लिए हिपेरिन मिक्स किया जाता है याद रखिएगा लो डोज में देने पर भी कॉम्प्लिकेशंस कौ, डेवलप हो सकते हैं और इसके कॉम्प्लिकेशन को तुरंत काउंटर करने के लिए प्रोटामिन सल्फेट नामक एंटीडॉट को हमेशा अपने पास तैयार रखना चाहिए आप चाहें तो इसका इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल बाईपेराइटल पेराइटल डायमीटर मेजरमेंट ऑफ फुल टर्म फीटल हेड एस किसी न्यूबॉर्न बेबी में स्कल की दो साइड वाली बोन्स यानी पेराइटल बोन के बीच का डायमीटर या स्पेस कितना होता है ये आपको बताना है टेन पॉइंट फाइव एट पॉइंट फाइव नाइन पॉइंट फाइव इलेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर्स राइट आंसर इज ऑप्शन सी नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन लॉक जो जिसे आप ट्राइस्पस के नाम से जानते हैं किस डिजीज में देखा जाने वाला इंपॉर्टेंट सिम्टम है टिटनेस पर्टोसिस डिप्थीरिया पोलियोमाइलाइटिस The right answer is option A. It is tetanus. Tetanus disease से frequently इसके characteristic features को पूछा जाता है Tetanus disease में तीन important characteristics जिन्हें आप cardinal signs के नाम से भी जानते हैं important हैं Trismus को आप लॉक जॉ के नाम से जानते हैं ये finding होने पर पेशेंट चाहकर भी अपने माउथ को ओपन नहीं कर पाता क्लास्टिडियम टीटैनी नामक बैक्टीरिया जब बॉडी में पर्सन को इन्फेक्ट करता है तो इसके द्वारा लगातार टॉक्सिंस का प्रोडक्शन किया जाता है और इन टॉक्सिन्स के प्रभाव के कारण जो मसल्स होते हैं वो रिजिड हो जाते हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो क्षमता है वो लगभग डिसअपियर हो जाती है डिसेबल हो जाती है और इसी वजह से ये सिम्टम आपको देखने को मिलता है इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट कार्डिनल फीचर है टिटनस डिजीज का वो है रिसस सार्डोनिकस फर्स्ट ग्रीन एंड रेस्ट आईब्रोज इसमें पेशेंट का जो चेहरा है देखने पर एक एबनॉर्मल फिनिंग देता है एबनॉर्मल लुक देता है जिसमें उसकी आईब्रोज तो ऊपर की तरफ उठी हुई होती हैं लेकिन उसके जो जबड़े हैं बिल्कुल जकड़े हुए रहते हैं नेक्स्ट आता है ऑपिस्थोटोनस ऑपिस्थोटोनस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें बैकवर्ड आर्चिंग ऑफ स्पाइन हो जाता है यानी कि जिस पेशेंट को टिटनेस हुआ है वो इस प्रकार से उसकी बॉडी मुड़ने लग जाती है यानी कि जो आपने योगा के दौरान चक्रासन आसन सुना होगा उसमें पर्सन अपनी कमर को पूरा पीछे की तरफ उल्टा घुमा देता है उस प्रकार से पर्सन की बॉडी धनुषाकार कह सकते हैं रेनबो लाइक हो जाती है ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है टिटनस डिजीज में मोस्टली पेशेंट्स की डेथ इस वजह से होती है क्योंकि बैक्टीरियल टॉक्सिंस के कारण मसल्स के अंदर एबनॉर्मलिटी आती है और जिसके कारण जो रेस्पिरेशन वाले मसल्स हैं वो भी रिजिड हो जाते हैं रेस्पिरेशन का फल्स फंक्शन अल्टर हो जाता है और पर्सन की डेथ हो जाती है आप चाहें तो इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तीनों ही फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिफिकल्टी इन अचीविंग एंड मेन्टेनिंग बैलेंस ग्रॉस और फाइन मोटार इन कोडिनेशन इज कॉल्ड अगर कोई व्यक्ति बॉडी बैलेंस या बॉडी मूवमेंट को सही तरह से नहीं कर पा रहा है तो इसे आप एक वर्ड में क्या कहेंगे डिस्थेनेशिया अटैक्सिया डिप्लेजिया स्पास्टिसिटी द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इट इज़ अटैक्सिया अटैक्सिया का सिंपल मीनिंग है कि पर्सन चलना तो चाह रहा है लेकिन वो सीधा चल नहीं पा रहा है लड़खड़ाता हुआ चल रहा है यानी जो बॉडी मूवमेंट है वो कॉर्डिनेटेड नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन ईच कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक शुड हैव हर कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक लेवल पर क्या होना चाहिए वन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर टू कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थ्री कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फोर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हर कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक पर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होना चाहिए ऑप्शन ए करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दिस इज नॉट अ साइन ऑफ प्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से कौन सा प्री एक्लेम्पिया का साइन नहीं है हाई ब्लड प्रेशर पायरेक्सिया प्रोटीन एडिमा द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पाइरेक्सिया पायरेक्सिया जो है प्री एक्लेम्पिया का साइन नहीं है इस क्वेश्चन के साथ एक कॉमन मिस्टेक जो कि अक्सर एग्जामिनेशन के दौरान हो जाती है उसे मैं बताना चाहूँगा जैसे मान लीजिए आप एग्जाम सेंटर पर हैं और एग्जाम अटेंड कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं तो आप क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे विच ऑफ दीज इज़ द साइन ऑफ प्री एक्लेम्शिया साइन ऑफ प्री एक्लेम्पिया हाई ब्लड प्रेशर करेक्ट आंसर ए आपने क्वेश्चन को पूरा सही तरीके से नहीं पढ़ा जल्दी जल्दी पढ़ा साइन ऑफ प्री प्री पढ़ा और आपको पता था कि हाई ब्लड प्रेशर उसमें होता है पूरे ऑप्शन भी नहीं पढ़े ए आंसर को टिक किया और यहीं पर आपसे गलती हो गई और आपका सिलेक्शन सिर्फ एक क्वेश्चन गलत होने के कारण नहीं हो पाया तो गौर कीजिएगा जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करें तो अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रखें ना ही अपना कॉन्फिडेंस कम करें ना ही ओवर कॉन्फिडेंट हों क्वेश्चन पेपर जो बनाने वाला है वो आपसे बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा सोच रखता है और आपसे बहुत बेहतर है उसे पता है आप कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं इसलिए क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ें सारे ऑप्शंस को पढ़ें उसके बाद में फिर समझ कर आंसर को टिक करें नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी एस किडनी की एक्सक्रीटरी यूनिट किसे माना जाता है बॉमस कैप्सूल ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन या हेनलेज लूप द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इट इज नेफ्रॉन याद रखिएगा आपसे यदि पूछ लिया जाए कि किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल या एक्सक्रीटरी यूनिट के रूप में किसे माना जाता है तो आप बताएंगे नेफ्रॉन्स को आपकी बॉडी में मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स हैं आप मिलेनियर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कंडीशन इन विच देयर इज नो स्पर्मेटोजोआ इन सीमन इज टर्म्ड एज इजैक्यूलेशन के दौरान निकलने वाले सीमन में यदि या स्पर्मेटोजोआ ना हो तो इसे आप किस नाम से जानेंगे एस्पर्मिया एजुस्पर्मिया एस्थेनोस्पर्मिया या फिर टेराटोस्पर्मिया बी केयरफुल वाइल आंसरिंग बेसिक बट इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इट इज कॉल्ड एजुस्पर्मिया आप में से जिनने भी ऑप्शन ए को सही बताया है वो सभी गलत है एजुस्पर्मिया इज अ करेक्ट टर्म दैट डिनोट एबसेंस ऑफ स्पर्म इन द दीमेंट और एस्पर्मिया शब्द का क्या मतलब होता है एस्पर्मिया का मतलब होता है इजैक्यूलेशन के दौरान यदि सीमन नहीं निकले सीमन का एब्सेंस हो तो इसे आप एस्पर्मिया के नाम से जानते हैं एजुस्पर्मिया मींस एबसेंस ऑफ स्पर्मैटोजो इन सीमन टेक स्क्रीन फॉर योर रिविजन नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच मैच्योर जर्म सेल जर्म सेल्स के अंदर आपको टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ये बताना है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर फोर्टी सिक्स फोर्टी एट द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ट्वेंटी थ्री क्रोमोसोम्स अ सेल हुज फंक्शन इज टू रिप्रोड्यूस दर्गेनिज्म कॉल जर्म सेल्स ऐसी सभी सेल्स जो कि किसी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं रिप्रोडक्शन करवाती हैं जर्म सेल्स के नाम से जानी जाती हैं अगर आप फीमेल में जर्म सेल्स क्या होती हैं इस बात को पूछेंगे तो इसका आंसर होगा ओवा या ओवम मेल के अंदर जो जर्म सेल्स हैं वो स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ होते हैं और याद रखिएगा इन जर्म सेल्स के अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जिन्हें आप हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं या यूं कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ तेईस जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज नोन एज फादर ऑफ सर्जरी फादर ऑफ सर्जरी के नाम से हम किसे जानते हैं चरक धनवंतरी सुष्यूत्रा या हिपोक्रेट्स द राइट आंसर इज ऑप्शन सी शुष्युत्रा फादर ऑफ़ सर्जरी सुश्रुत्रा और फादर ऑफ मेडिसिन भी एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन के रूप में हम हिपोक्रेट्स को जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉल सेंसरी परसेप्शन नॉट एसोसिएटेड विथ रियल एक्सटर्नल स्टिम्युलाई इज कॉल्ड बिना किसी बाहरी उद्दीपन के बिना किसी एक्सटर्नल स्टिम्युलाई के पर्सन को कुछ भी महसूस होना परसीव होना क्या कहलाता है कॉन्क्रीट थिंकिंग हेल्यूसिनेशन डेल्यूशन इल्यूशन बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इसे पूछा गया है द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इट इज हेल्यूसीनेशन जब किसी पर्सन या पेशेंट को बिना किसी एक्सटर्नल स्टीम्युलाई के कुछ भी परसीव हो तो इसे आप हेल्यूसिनेशन कहते हैं हेल्यूसिनेशन को इस प्रकार से याद रखेंगे यहाँ पर एक्सटर्नल स्टिम्युलाई है ही नहीं है ही नहीं डेल्यूशन का क्या मीनिंग होता है डेल्यूशन का मतलब होता है फिक्स्ड फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ ऐसा कोई भी गलत विश्वास जिसे आप चाहकर भी बदल नहीं सकते डेल्यूशन कहलाता है एल्यूशन का मतलब है पर्सन को एक्सटर्नल स्टिमुलाई का रॉन्ग परसिवेशन होना यानी कि अंधेरे में सड़क पर चलते समय रस्सी या लकड़ी के टुकड़े को सांप समझ लेना इल्यूशन का एग्जाम्पल है नेक्स्ट क्वेश्चन अ क्लाइंट विथ सीजोफ्रेनिया हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन मेडिकेशन थेरेपी विथ क्लोजे

या प्लेटलेट काउंट द राइट आंसर इज ऑप्शन सी क्लोजेपाइन मेडिसिन ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है जो कि सीजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है क्लोजेपाइन मेडिसिन लेने के कारण पेशेंट में एग एग्र, एग्रेन्यूलोसाइटोसिस प्रोसेस होता है और इसके कारण डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाती है डब्ल्यूबीसी की संख्या क्लोजेपाइन लेने के कारण कम होती है और इसी वजह से इस पेशेंट में हमें लगातार डब्ल्यूबीसी का काउंट चेक करते रहना चाहिए डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होने पर पेशेंट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन एनाफाइलेक्सिस इज द टर्म यूज इन विच कंडीशन एनाफाइलेक्सिस टर्म किस सिचुएशन में इस्तेमाल की जा सकती है प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज पायरेक्सिया ऑफ अन नॉन कॉज एक्सेसिव स्लीप एलर्जिक रिएक्शन द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इट इज़ एलर्जिक रिएक्शन एनाफाइलैक्सिस या एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन उस समय देखने को मिलती है जब हमारी बॉडी में अचानक से कोई एलर्जन अटैक करे और इस एलर्जिक रिएक्शन को ही हम एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं इस सिचुएशन में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में एडुनलिन का इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इन द कॉम्प्लेक्स सेंस ऑफ विजन द इमेज ऑफ़ एन ऑब्जेक्ट फोकस्ड ऑन रेटिना एंड इज ट्रांसमिटेड टू ब्रेन बाय आपको यहाँ बताना है कि हमारी आइज़ में जो लाइट रेज होती हैं वो रेटिना पर फोकस की जाती हैं आई के बैक पार्ट पर ये इमेज जो यहाँ बन रहा है इस इमेज को ब्रेन तक पहुँचाने का काम कौन करता है ये आपको बताना है कॉर्निया ऑप्टिक नर्व लेंस या आयरिस ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर रेटिना पर जब लाइट रेस फोकस होती हैं तो वहां पर इमेज बनती है इस इमेज को ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक पहुंचाती है ब्रेन इसे एनालाइज करके हमें बताता है कि आगे क्या है या, या किस चीज की इमेज है आइरिस हमारे आइज़ का कलर्ड पार्ट होती है जैसे कि ब्लैक ब्राउन एक्सेट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म यूज़ टू डिस्क्राइब द डिस्चार्जेस फ्रॉम द यूट्रस ड्यूरिंग द पेरपेरियम एंड हैज़ अ एल्कलाइन रिएक्शन डिलीवरी के बाद परपेरियम पीरियड में यूट्रस से निकलने वाला एल्कलाइन सब्सटेंस क्या कहलाता है वेजाइनल डिस्चार्ज परपेरियल डिस्चार्ज एमनियॉटिक रिएक्शन या फिर लोकिया द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इट इज लोकिया डिलीवरी के बाद फोर्टी टू डेज का जो समय होता है या फिर सेवन सॉरी सिक्स वीक्स का जो समय होता है इसे हम परपेरियम पीरियड के नाम से जानते हैं इस समय फीमेल के सभी बॉडी ऑर्गन्स प्री प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हैं माइग्रेट होते हैं और उसी दौरान जो वेजाइनल डिस्चार्ज निकलता है उसे हम लोकिया के नाम से जानते हैं लोकिया बेसिकली तीन टाइप्स का होता है लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा और लोकिया एल्बा सबसे पहले लोकिया रुब्रा आता है जो कि डार्क रेड कलर का होता है फिर आता है सिरोसा जो कि कुछ हल्के रंग का होता है और फिर आता है फाइनली एल्बा जो कि काफी वाइटिस सब्सटेंस लाइक होता है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेंडलबर्ग टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस ट्रेंडलबर्ग टेस्ट का इस्तेमाल किस चीज के डायग्नोसिस में किया जाता है डी फैन थ्रोम्बोसिस वेरिकोसवेन रेक्टल मारफॉर्मेशन या फिर फ्रैक्चर ऑफ एंकल ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर ट्रेंडलबर्ग टेस्ट का इस्तेमाल हम वेरिकोस वेन सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं ओल्ड एज में या फिर ऐसे जॉब को करने वाले पर्सन जिन्हें अपनी ड्यूटी आर्स के दौरान लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है तो ग्रेविटी के इफ़ेक्ट के कारण उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो फूल जाती हैं उनकी स्ट्रक्चर आड़ी टेडी हो जाती है इसी को ही हम वेरिकोस वेन के नाम से जानते हैं और इसे आइडेंटिफाई करने हेतु तो ट्रेंडलबर्थ टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन द नॉर्मल रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन इन द एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन प्रीमीग्रेविडा एस किसी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट वुमेन में लेबर की फर्स्ट स्टेज की एक्टिव फेज में सर्वाइकल डायलेशन का रेट क्या होता है 0.5 पॉइंट पर आर 1 सेंटीमीटर पर आर 15 सेंटीमीटर पर आर या फिर 2 सेंटीमीटर पर आर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1 सेंटीमीटर पर आर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन इज द पोस्ट मेच्योरिटी ऑफ प्रेगनेंसी कंसीडर्ड सिंपली आपको बताना है कि पोस्ट मेच्योरिटी कब कहा जाता है पोस्टम बेबी कब कहा जाता है आफ्टर फोर्टी वीक्स आफ्टर फोर्टी टू वीक्स आफ्टर फोर्टी थ्री वीक्स या फिर आफ्टर फोर्टी वन वीक्स द राइट आंसर इज ऑप्शन बी आफ्टर फोर्टी टू वीक्स याद रखिएगा अगर किसी बच्चे का जन्म अड़तीस सप्ताह की प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद से लेकर फोर्टी टू वीक्स की प्रेगनेंसी के बीच होता है तो इसे हम टर्म बेबी के रूप में जानते हैं अगर बच्चे का जन्म इससे पहले होता है थर्टी एट वीक्स से तो उसे अपन प्री टर्म कहेंगे और फोर्टी टू वीक्स के बाद होता है तो उसे हम पोस्ट टर्म या पोस्ट मैच्योर बेबी के रूप में जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट एक्सेप्ट इनमें से कौन सा ऑप्शन मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल नहीं है लिथियम कार्बोनेट फ्लूजेंथीन एसिड कार्बेमेजपाइन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी फ्लूओ इस क्वेश्चन में दिए गए सभी ऑप्शंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और प्रीवियस एग्जाम में फ्रीक्वेंटली यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लिथियम कार्बोनेट मोस्ट इंपॉर्टेंट वालप्रोइक एसिड एंड कार्बेमेजपाइन फ्लूओजेंटीन इज अ एंटी डिप्रेसेंट ऑफ सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इन्हीविटर क्लास फ्लूओजेंटीन जो मेडिसिन है ये एंटी डिप्रेसेंट है यानि डिप्रेशन के पेशेंट्स में इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है और ये सेलेक्टिव सिरेटोनिन री अपटेक इन्हीबीटर क्लास की मेडिसिन है एस एस आर आई कैटेगरी की ये ड्रग है इसे भी पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन द नॉर्मल यूट्रस वेट्स इन ग्राम्स नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट आपको बताना है नाइन्टी एटी सिक्सटी या फिफ्टी ग्राम्स द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ग्राम्स ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट होता है सिक्सटी ग्राम्स और प्रेगनेंसी के दौरान टर्म एरिया पर जो वेट है अराउंड वन थाउजेंड ग्राम्स के आसपास हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन अ वुमेन यूजिंग डाइफ्राम फॉर कॉन्ट्रासेप्शन शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू लीव इट इन प्लेस फॉर एटलीस्ट हाउ लॉन्ग आफ्टर इंटर कोर्स कॉन्ट्रासेप्टिज़ के रूप में वुमेन द्वारा डायफ्राम का इस्तेमाल किया जा रहा है इस वुमेन को इंटर कोर्स करने के बाद कितने घंटों के लिए आप इस डायफ्राम को यूज़ करते रहने के लिए कहेंगे सिक्स आवर्स के लिए ट्वेल्व आवर्स के लिए वन आवर के लिए या ट्वेंटी एट आवर्स के लिए द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए याद रखिएगा डायफ्राम जो है उसे इंटर कोर्स करने के बाद लगभग छ घंटे तक अपनी पोजीशन पर लगाए रखना चाहिए ताकि इससे पूरा कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट आ सके अगर आपने इसे इस समय से पहले हटा दिया तो वहाँ पर कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अ पेशेंट ऑन एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन डेवलप रोलिंग आईज अपवर्ड दिस इज इंडिकेटिव ऑफ एक पेशेंट जो कि एंटीसाइकोटिक मेडिसिन ले रहा है अचानक उसकी आँखें ऊपर की तरफ हो जाती हैं तो इसे आप क्या कहेंगे थेराप्यूटिक एक्शन ड्रग हैज़ नॉट रीच्ड इट्स थेराप्यूटिक लेवल इन ब्लड एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स या फिर माइस्थेनिया ग्रेविस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी एंटीसाइकोटिक मेडिसिन को लेने के बाद कुछ एडवर्स इफेक्ट्स बॉडी में डेवलप हो जाते हैं जिनमें से रोलिंग आइज अफवर्ड भी एक मुख्य है इन सभी सिम्टम्स को हम एक्स्ट्रा पिरेमिडल सिम्टम्स के रूप में जानते हैं तो सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स किस मेडिसिन के बाद देखने को मिलते हैं तो आप बताएंगे एंटीसाइकोटिक मेडिसिन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अ नर्स इन लेबर रूम परफॉर्म्स अ वेजाइनल असेसमेंट ऑन अ प्रेग्नेंट क्लाइंट इन लेबर एंड नोट्स द प्रेजेंस ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोट्यूडिंग फ्रॉम द यूट्रस वॉट वुड बी द इनिशियल नर्सिंग एक्शन लेबर रूम में आए क्लाइंट में अम्लिकल कॉर्ड जो है वेजाइना से प्रोट्यूड कर रही थी बाहर निकली हुई थी असेसमेंट के दौरान आपको ये दिखने को मिलता है इस सिचुएशन में इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा ये आपको बताना है ऑप्शन ए जेंटली पुश द कॉर्ड इनटू टू वेजाइना आप इस बाहर आई कॉर्ड को वापस पुश करके अंदर डाल देंगे या फिर प्लेस द क्लाइंट इन ट्रेंडल बर्ग पोजिशन आप इस पेशेंट को ट्रेंडल बर्ग पोजिशन देंगे या फिर परफॉर्म वेजाइनल एग्जाम टू नोट द प्रजेंटेशन हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे ताकि प्रजेंटेशन का पता चल सके या फिर नोटिफाई द स्टाफ दैट द क्लाइंट विल बी ट्रांसपोर्टेड immediately टू डिलीवरी रूम हम स्टाफ से ये कहेंगे कि इस पेशेंट को तुरंत डिलीवरी रूम में ले जाया जाए द राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्लेस द क्लाइंट इन ट्रेंडलबर्ग पोजिशन जैसे ही वेजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान आपको ये पता चलेगा कि बच्चे के प्रेजेंटिंग पार्ट से पहले अम्बलिकल कॉर्ड बाहर आई है तो आप तुरंत जो मदर की पोजीशन है उसे ट्रेंडलबर्ग पोजिशन में चेंज कर देंगे ट्रेंडलबर्ग पोजिशन में मदर का जो हेड वाला पार्ट है फीट वाले पार्ट की तुलना में हल्का सा नीचे होता है दिस साइड इज डाउन एंड दिस साइड इज स्लाइटली अप ऐसा करते ही जो बेबी है वो वुम्ब में हल्का सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी और इस अम्बिलिकल कॉर्ड जो बाहर की तरफ आ गई है वेजाइना से उस पर बच्चे के प्रेजेंटिंग पार्ट के कारण जो दबाव पड़ रहा था वो कम हो जाएगा अगर इस बच्चे के प्रेजेंटिंग पार्ट के कारण लगातार इस अम्बिलिकल कॉर्ड पर दबाव पड़ता रहा तो सर्कुलेशन जो है इम्पेयर्ड हो जाएगा मदर से बच्चे तक जो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन आदि सप्लाई पहुंच रही है इस प्रेशर के कारण रुक जाएगी और बच्चे की डेथ तक हो सकती है तो इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए प्रोट्यूशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड होते ही हम तुरंत ट्रेंडलबर पोजिशन देंगे ताकि बच्चा ग्रेविटी के कारण हल्का सा स्लाइड डाउन हो और प्रेशर रिलीज हो इस सिचुएशन में कभी भी आप कॉर्ड को पुश करके अंदर की तरफ नहीं करेंगे और इस सिचुएशन में वेजाइनल एग्जामिनेशन भी करना सही नहीं माना जाएगा सो ऑप्शन बी एज़ करेक्ट हियर नेक्स्ट क्वेश्चन अ डैक्सा स्कैन इज यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ डेक्सा स्कैन का इस्तेमाल किसके डायग्नोसिस हेतु किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर ऑस्टियोपोरोसिस कॉरोनरी आर्टरी डिजीज या पल्मोनरी एम्बोलिज्म The right answer is option B osteoporosis. Let's see the rational. DEXA scan ka full form hai dual energy x ray absorpimetry is a mean of measuring bone mineral density using spectral imaging. If your bone density is lower than normal of your age, इट इंडिकेट अ रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड बोन फ्रैक्चर्स डेक्सा स्कैन का फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है ड्यूल एनर्जी एक्सरे एप्सॉर्पी मैट्री इसके द्वारा हम बोन्स के अंदर कितने मिनरल्स मौजूद हैं कैल्शियम आदि मौजूद हैं इस चीज़ का स्कैन करके पता लगाते हैं अगर किसी पर्सन में जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो उसकी उम्र के अनुसार नॉर्मल से कम है तो इसकी बोन जो है बहुत ज़्यादा कमजोर हैं थोड़ा भी प्रेशर पड़ने पर टूट सकती हैं लेकिन अगर बोन मिनरल डेंसिटी नॉर्मल से अच्छी है या नॉर्मल है तो इनकी बोन्स स्ट्रांग होंगी ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना कम होगी नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेजुअल इंक्रीज इन रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इज़ नोन एज किसी पर्सन में यदि धीरे धीरे रेस्पिरीशन की रेट और डेप्थ दोनों ही बढ़ रही हैं तो इस प्रकार का रेस्पिरीशन क्या कहलाता है हाइपर वेंटिलेशन हाइपोवेंटिलेशन कॉस्मोल रेस्पिरेशन या काइन स्ट्रोक द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कॉस्मोल रेस्पिरीशन रेस्पिरीशन रेट और डेप्थ का धीरे धीरे बढ़ना कॉस्मोल्स रेस्पिरीशन कहलाता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग दॉलोइंग साइंस एंड सिम्टम्स विल बी प्रजेंट इन अ पेशेंट विथ हाइपोवॉलीमिया हाइपोवॉलीमिया के पेशेंट में कौन से साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे इंक्रीज हार्टरेट हाइपर टेंशन पाउंडिंग पल्स या यूरिन आउटपुट थर्टी एम एल पर आर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंक्रीज हर्ट रेट। हाइपोवॉलीमिया का मतलब है बॉडी में फ्लूइड की मात्रा लिक्विड कंटेंट की मात्रा का कम हो जाना और जैसे ही हमारी बॉडी में लिक्विड फ्लूइड या ब्लड कम होगा हमारा जो हार्ट है बॉडी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तेजी से पंप करना शुरू करेगा कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करेगा और इसी कारण से हाइपोवालमिक पेशेंट्स के अंदर आपको हार्ट रेट बढ़ी हुई मिलती है नेक्स्ट क्वेश्चन द नर्व विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इज़ विज़न के लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल है ऑलफेक्ट्री फेशियल, ऑप्टिक ऑकॉस्टिक द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जिसे हम सेकेंड पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व के नाम से भी जानते हैं सेंस ऑफ विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन टेम्परेचर एक्सपोजर इंडिकेटर ऑफ अ वैक्सीन वैक्सीन इस्तेमाल करने योग्य है या नहीं उसे मापने के लिए जो इंडिकेटर यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं वी वी एम वी ए पी वी एम वी या वी टी आई द राइट आंसर एज ऑप्शन ए वी वी एम वी वी एल वी एम का है वैक्सीन वाइल मॉनिटर वैक्सीन वाइल मॉनिटर किसी भी वैक्सीन जो कि टेम्परेचर के एक्सपोजर के कारण खराब हो सकते हैं उनमें उपयोग योग्य है या नहीं इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है पोलियो वैक्सीन में आप आप में इस इंडिकेटर को जरूर देखा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन द आइडल एंगल ऑफ इंसर्शन ऑफ निडिल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एंड इंट्राडर्मल इंजेक्शन एज किसी भी पेशेंट में इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाने हेतु किस डिग्री एंगल से हमें निडिल को इंसर्ट करना चाहिए टेन डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री या सिक्सटी डिग्री द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए इट इज़ टेन डिग्री इंट्राडर्मल इंजेक्शन जनरली हम पेशेंट में मेडिकेशन सूट कर रही है या नहीं सिंपली कहें तो एस टी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें टेन डिग्री के एंगल से हम निडल को इंसर्ट करते हैं थर्टी डिग्री एंगल से हम इंट्रावीनस इंजेक्शनस को एडमिनिस्टर करते हैं फोर्टी फाइव डिग्री से सबक्यूटेनियस रूट वाले इंजेक्शन को और 90 डिग्री से इंट्रामस्क्यूलर रूट वाले इंजेक्शंस को एडमिनिस्टर करना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन द ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड विच कैन स्टोर इट्स हॉर्मोन्स एज आपको उस एकमात्र एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम बताना है जो कि अपने हॉर्मोन्स को स्टोर कर सकती है पिट्यूट्री पैंक्रियास थारॉयड या एड्रिनल ग्लैंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इट इज़ थायरॉयड ग्लैंड थाइरॉयड इज द ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड विच कैन स्टोर इट्स हॉर्मोन्ल सिक्रीशंस एंड कैन सिक्रीट इट इन टू द ब्लड वेनएवर द बॉडी इज इन नीड एंडोक्राइन ग्लैंड वह ग्लैंड होती हैं जो कि अपने हॉर्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में एक्सक्रीट करती हैं सिक्रीट करती हैं थायरॉइड ग्लैंड वह एकमात्र एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि अपने हॉर्मोन्स को अपने अंदर स्टोर रख सकती है और जैसे ही बॉडी में इसकी आवश्यकता हो इसे रिलीज कर सकती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वह ग्लैंड्स होती हैं जो कि अपने हॉर्मोन्स को या एंजाइम्स को अपने सिक्रीशंस को बेसिकली पाइप के थ्रू डक्ट्स के थ्रू टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करती हैं ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैल्शियम बैलेंस इन बॉडीज़ रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ हमारे बॉडी में कैल्शियम का बैलेंस किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है एल्डोस्टिरोन कैल्सिटोनिन इवेल्यूएशन पैराथॉर्मोन या फिर ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट याद रखिएगा हमारी बॉडी के अंदर कैल्सीटोनिन और पैराथॉर्मोन नाम के दो हॉर्मोन्स पाए जाते हैं जो कि बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को रेगुलेट करने के लिए आवश्यक हैं कैल्सीटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द थारॉयड ग्लैंड हेल्प्स टू मोबिलाइज कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन हमारे ब्लड में जब भी कैल्शियम की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है तो उस सिचुएशन में थायराइड ग्लैंड के द्वारा कैलसीटोनिन नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है ये कैलसीटोनिन ब्लड में बड़े इस कैल्शियम को लेकर बोन को दे देता है बोन इसे स्टोर कर लेती हैं और ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा पहले की तुलना में कम हो जाती है या यूँ कहें नॉर्मल हो जाती है अब सिचुएशन इसके जस्ट ऑपोजिट है मान लीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम हो रही है तो इस सिचुएशन में क्या होगा जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होने लगती है पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा पैराथॉर्मोन नाम का हार्मोन सिक्रीट किया जाता है अब ये हार्मोन बोन के पास जाकर बोन में मौजूद कैल्शियम्स को वहाँ से निकाल कर लाता है और ब्लड को दे देता है और ब्लड के अंदर कैल्शियम की जो मात्रा है नॉर्मल हो जाती है होपफुली दिस इज़ क्लियर जब बॉडी में कैल्शियम सॉरी जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ रही थी तो इसे कम करने के लिए थायरॉयड ग्लैंड ने कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन किया कैल्सिटोनिन इस एक्स्ट्रा कैल्शियम को बोन को दे देता है बोन उसे स्टोर कर देती है और लेवल रेगुलेट हो जाता है इसी के ऑपोजिट जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा जो है कम होने लगती है तो इस सिचुएशन में पैराथॉर्मोन हार्मोन आता है ये बोन के अंदर मौजूद कैल्शियम को निकाल कर ब्लड को दे देता है और जो लेवल है रेगुलेटेड हो जाता है आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन द जैट्रैक टेक्निक ऑफ इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन इज यूज टू इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने में जो ट्रैक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज या उपयोग क्या है ऑप्शन ए ये नर्व और वेंस की इंजरी को बचाती है ऑप्शन बी ये ड्रग के बैकवर्ड लीकेज को रोकती है ऑप्शन सी ये इंजेक्शन द्वारा होने वाले दर्द को कम करती है ऑप्शन डी ये ब्लीडिंग और हिमाटोमा फॉर्मेशन को कम करता है द राइट आंसर इज ऑप्शन बी किसी भी ड्रग के बैकवर्ड लीकेज को रोकने के लिए इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शंस लगाते समय जेड ट्रैक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जेड ट्रैक टेक्निक के द्वारा ऐसी सभी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि स्किन पर स्टेन कर सकें कर सकती हूँ या फिर बॉडी के अंदर इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्लीनिंग ऑफ बेड सोर हैज़ टू बी डन फ्रॉम आपको बताना है कि अगर किसी पेशेंट में बैड सोर्स है तो इसे क्लीन करने की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए अंदर से बाहर बाहर से अंदर या फिर जो हिस्सा केयर गिवर के पास पड़े वहाँ से शुरू करके दूर वाले पार्ट की तरफ या इनमें से कोई भी नहीं very basic and important question especially for upcoming Norset 2022 exams option b is correct here outer to inner let's see the concept behind this bad sore is considered as contaminated wound in this wound periphery is considered as more clean सो so, cleaning ऑफ वुंड हैज़ टू बी डन from आउटर टू इनर जो सोर्स होते हैं डेक्यूबिट अल्सर्स होते हैं उन्हें हम कंटेमिनेटेड वुंड की तरह मानते हैं और कंटेमिनेटेड वुंड को हम हमेशा आउटर से इनर यानी बाहर से शुरू करते हैं और अंदर की तरफ लेकर आते हैं इस मोशन में हम हमेशा इसे क्लीन करते हैं क्योंकि इस प्रकार के जो वुंड होते हैं घाव होते हैं उनमें जो पेरीफ्री एरिया है घाव का जो बाहरी परिधीय भाग है उसे हम बहुत ज़्यादा क्लीन मानते हैं एज़ कंपेयर टू द सेंटर पार्ट जो पेरीफ्री एरिया है बेड सोर वाले पेशेंट का उसे हम क्लीन मानते हैं और जो सेंटर एरिया होता है उसे हम मोर कंटेमिनेटेड मानते हैं और क्लीनिंग हमेशा कम गंदे स्थान से ज़्यादा गंदे स्थान की तरफ होती है लेस कंटेमिनेटेड एरिया टू मोर कंटेमिनेटेड एरिया द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीनिंग ऑलवेज सेम अब यदि सर्जरिकल वुंड की बात की जाए यानी कि ऑपरेशन के दौरान जो सर्जन कट लगाता है इंसीजन लगाता है उसे यदि आपको क्लीन करना हो तो कौन सी डायरेक्शन में करेंगे तो ये हमेशा कंटेमिनेटेड वुंड का ऑपोजिट होती है इसे हम इनर से आउटर रीजन में क्लीन करते हैं अंदर से बाहर की तरफ इसे हम क्लीन करते हैं सर्जिकल वुंड को हमेशा क्योंकि इसमें जो सेंटर पार्ट होता है उसे हम लेस कंटेमिनेटेड मानते हैं एज़ कंपेयर टू द पेरीफ्री एरिया होपफुली दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर यू कैन टेक स्क्रीन शॉट फॉर योर रिवीजन ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी अपीयर्स वैन सीरम लेवल इज़ ग्रेटर दैन किसी भी पेशेंट में डिगॉक्सिन ड्रग की टॉक्सिसिटी कब होती है जब इस मेडिसिन का लेवल जीरो पॉइंट फाइव एन जी पर एम एल से ज़्यादा हो वन एन जी एम एल हो वन पॉइंट फाइव एन जी हो या टू एन जी हो द राइट आंसर is ऑप्शन डी टू ng per पर Digoxin exam डिगोक्सिन एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ही important मेडिसिन है डिगोक्सिन मेडिसिन में जो therapeutic रेंज होती है वो बहुत ही सॉरी therapeutic और टॉक्सिक लेवल की जो रेंज होती है इसमें बहुत ही कम difference होता है इसलिए digoxin को continuously monitor करने की आवश्यकता होती है किसी भी ड्रग का थेराप्यूटिक लेवल वह लेवल होता है जिसमें ड्रग यदि जिस मात्रा में ड्रग यदि बॉडी में ब्लड में मौजूद है तो उस मेडिसिन से जो हम इफेक्ट चाह रहे हैं वो देखने को मिलेंगे मान लीजिए कि आप डिगोक्सिन ले रहे हैं और पेशेंट के ब्लड में डिगोक्सिन का लेवल 0.5 से 2 एन जी पर एम के बीच है तो इसका मतलब है कि पेशेंट में डिगोक्सिक जो है वो अपना इफेक्ट दिखा रही है और सही मात्रा में अगर इस ड्रग का लेवल जीरो पॉइंट फाइव से कम होगा तो जो इफेक्ट हम चाहते हैं वो नहीं आ पाएंगे और इस ड्रग का लेवल टू एन पर एम से ज़्यादा होने पर टॉक्सिसिटी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे सो so, डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी होने पर सिम्टम्स जो देखने को मिल सकते हैं उनमें एनोरेक्सिया नोजिया वॉमिटिंग ब्रेडिकार्डिया और डिसरिदमियाज इंपॉर्टेंट हैं स्क्रीनशॉट फॉर योर रिविजन नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोफोबिया इज कॉस्ड बाय विच वायरस हाइड्रोफोबिया किस वायरस द्वारा होने वाला डिजीज है एडीनोवायरस रोटावायरस लाइसा वायरस या फिर राइनोवायरस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी लाइसा वायरस रेबीज़ को हम हाइड्रोफोबिया या फियर ऑफ वाटर डिजीज के नाम से भी जानते हैं और इसका जो कॉज है वो लाइसा वायरस है जो कि कई बार बुलेट शेप्ड वायरस या रेहबडो वायरस के नाम से भी पूछा जाता है रोटा वायरस जो है बच्चों में डायरिया कॉज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म माना जाता है और इसे ट्रीट करने के लिए रोटा वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है जिसे ओरल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं और फाइव ड्रॉप्स इसकी डोज होती है नियासिन किस विटामिन का दूसरा नाम है विटामिन बी वन बी टू बी थ्री या बी सिक्स द राइट आंसर इज विटामिन बी थ्री नियासिन को हम विटामिन बी थ्री के नाम से जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिशियन ऑर्डर्ड ओरल एज वेल एज नेजल सक्शन टू अ क्लाइंट यू विल डू विद सक्शन फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिशियन द्वारा किसी क्लाइंट में ओरल और नेज़ल दोनों ही सक्शन करने के लिए कहा गया है इस सिचुएशन में आप पहले किस एरिया में सक्शन करेंगे ओरल में या फिर नेजल में आपके ऑप्शंस हैं ओरल सक्शन नोस सक्शन फर्स्ट ऑप्शन सी वेयर द सिक्रीशन इज मोर जिस एरिया में सिक्रीशन ज्यादा हों उसका सक्शन पहले करेंगे या फिर वेयर द सिक्रीशन इज लेस जिस एरिया में सक्ष... सिक्रीशन कम है उस एरिया का सक्शन पहले करेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर माउथ एरिया का सक्शन हमेशा नोज से पहले किया जाता है ऑलवेज डू फर्स्ट सक्शन इन माउथ देन द नोज बिकॉज इफ यू डू सक्शन इन द नोज फर्स्ट इट विल स्टिमुलेट फेरिंग्स एंड कॉज एस्पायरेशन सो टू अवॉइड दिस ऑलवेज डू सक्शन फर्स्ट इन माउथ जब भी आपको नेजल और ओरल सक्शन दोनों ही करने का ऑर्डर मिले तो आप हमेशा पहले ओरल या माउथ सक्शन को करेंगे अगर आपने पहले नेजल सक्शन किया तो नेजल सक्शनिंग के दौरान पेशेंट का जो फेरिंग्स है वो स्टिमुलेट हो सकता है और इसके कारण पेशेंट में रिस्क ऑफ एस्पायरेशन बढ़ सकता है सो हमेशा हम माउथ सक्शन को प्रायोरिटी देते हैं एज़ कंपेयर टू द नेजल सक्शन thank you so much everyone for watching this complete video if you think this video is helpful then please click upon the like button share this video with your friends and subscribe our youtube channel its name for nurses preparation best of luck